नमस्कार दर्शक मित्रों, फिर एक बार आप सब लोगों का स्वागत है इम्पएक्सपर्ट में, जिसको हम बोलते हैं वर्ल्ड ऑफ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की एक सुनहरी दुनिया है। हम क्यों सुनहरी दुनिया बोलते हैं? क्योंकि यहाँ हम सब लोगों को सिखाते हैं कैसे इम्पोर्ट करना, कैसे इम्पोर्ट करना, कैसे एक्सपोर्ट करना और वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में कैसे बिजनेस करना। तो एक बार फिर से मैं आपका दोस्त मयूर प्रजापति आपके सामने हाजिर हूँ एक नया टॉपिक लेके। आज हम बात करेंगे लॉजिस्टिक्स एंड शिपिंग, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ही एक अव्वल दर्जे का उसका एक स्थान है, हम जिसको बोल सकते हैं। ऐसे देखा जाए तो तीन तरह से हम लोग एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट इंटरनेशनल बिजनेस जो मूवमेंट होती है वो कर सकते हैं। सबसे पहला है बाय सी, अनदर इज बाय एयर एंड थर्ड वन इज बाय रोड। तो ये तीनों, दीज आर द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसको हम बोलते हैं कि जिसके जरिए हम एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट मटेरियल फॉरेन भेज सकते हैं या फॉरेन से ला सकते हैं। लॉजिस्टिक कोई छोटा वर्ड नहीं है। लॉजिस्टिक्स नॉर्मली हम सब लोगों के दिमाग में ऐसा है कि एक प्रोडक्ट को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर हमने डिलीवर कर दिया, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट। लॉजिस्टिक्स एक्चुअली इट इज़ वेरी मच कॉम्प्लेक्स सिस्टम, और वी कैन से वेरी मच, जिसको हम बोल सकते हैं कि जटिल प्रोसेस है, क्योंकि उस सब में से हमें पार होना है। इंटरनेशनल बिजनेस सिर्फ एक अकेले की बात नहीं है। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो हमारे साथ मेनली बायर होता है, सेलर होता है, ट्रांसपोर्टर, सपोज यू आर ट्रांसपोर्टिंग बाय सी, बाय रोड, बाय एयर, DGFT, अदर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन और बहुत सारे लोग, CHA, फ्रेट फॉरवर्डिंग, शिपिंग लाइन। तो ये सबको मिला के स्मूथली काम करके हमें एक प्रोडक्ट को दूसरी जगह पे सही सलामत और इन टाइम पहुंचानी है। तो लॉजिस्टिक और शिपिंग जो हम बात कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड में, सब कुछ टाइमली होना चाहिए। सो व्हेन टू डिलीवर, हाउ टू डिलीवर एंड व्हाट टू डिलीवर, वो मेनली हम बात कर सकते हैं कि हमारे शिपिंग लॉजिस्टिक्स में बात हो। यदि कोई बायर को अर्जेंसी है और उसने मटेरियल बाय एयर मंगवा लिया, मीन्स हमें वो समझ जाना चाहिए कि इस बंदे को इस प्रोडक्ट की अर्जेंसी है। अदरवाइज मैंने जैसे आपको बताया, नॉर्मली बाय सी लोग इंपोर्ट करते हैं कि वो कंपेयर टू अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वो बहुत सस्ता है। तो अर्जेंसी में कोई मटेरियल मंगवाता है या फिर किसी का जो भी रीजन हो, तो हम बाय एयर जब उसको डिलीवरी करते हैं तो वो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमें टाइमली कस्टम क्लियरेंस, हमें ऐसे एयरलाइन चूज करने चाहिए जो डायरेक्ट उसको डिलीवरी दे सके। कई बार बाय सी रूट करने में भी वी हैव टू प्रीफर डायरेक्ट वेसल, समटाइम्स हमें इनडायरेक्ट वेसल भी जाने चाहिए। क्यों? शिपिंग लॉजिस्टिक में हमें ये क्यों ध्यान में रखना है? कई बार ऐसा होता है कि हम बैंक में डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते हैं और वही डॉक्यूमेंट पार्टी को पहुँचते हैं, अल्टीमेटली इम्पोर्टर को, लेकिन उससे पहले कई बार मटेरियल पहुँच जाता है। तो जब शिपमेंट अराइव हो जाता है तो उससे पहले डॉक्यूमेंट उसके पास आए नहीं होते, तो ऑलरेडी डिटेंशन, डैमरेज, कस्टम क्लियरेंस, वो सब इश्यू होता है। तो वन थिंग इन द इंटरनेशनल ट्रेड शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, ये बात भी हमें साथ में याद रख के चलना है कि हम जब भी शिपमेंट करें, वेदर एनी मोड वी फाइनलाइज, लेकिन उसी हिसाब से फाइनलाइज करें। जैसे नज़दीक में दुबई है, ओमान है, तो वहाँ 3-4 दिन में डायरेक्ट वेसल है तो मटेरियल पहुँच जाता है। सपोज योर मटेरियल इज और कॉन्ट्रैक्ट इज अंडर लेटर ऑफ क्रेडिट, तो मीनवाइल वहाँ तक आपके डॉक्यूमेंट नहीं पहुँच पाते। तो फ्रेट फॉरवर्डर है, शिपिंग लाइन है, तो वो सब आपको गाइड करते हैं कि सर दिस इज इनडायरेक्ट वेसल, दिस इज डायरेक्ट वेसल, दिस इज ट्रांजिट टाइम, जिसको हम TT बोलते हैं। तो ट्रांजिट टाइम फ्रॉम पोर्ट टू पोर्ट कितना है, वो सब भी हमें ध्यान में रखना है। अल्टीमेटली वो हमारा बायर है, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस हमारा बायर सफर नहीं होना चाहिए। तो लॉजिस्टिक्स में यही बात है, हम जो भी काम करते हैं टाइमली उसको डिलीवरी मिले, सही समय पे मिले, और उसके पास भी मटेरियल अराइव होने के बाद भी टाइम हो को विद इन 3-14 days डिटेंशन पीरियड सामने वाला इम्पोर्टर भी हमारा इन टाइम कस्टम क्लियरेंस करके मटेरियल ले सके। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट वर्ल्ड में शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। अल्टीमेटली दिस इज वी कैन से पूरा सप्लाई चेन है, पूरा सप्लाई चेन है जिसको सही तरीके से हमें मैनेज कर, शिपिंग लाइन, एयरलाइन और टाइमली डिलीवरी के साथ पूरा लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट करना है। और यही एक सच्चे एक्सपोर्टर या सेलर की एक खूबी मानी जाती है, क्योंकि
अल्टीमेटली हमें किसको सोचना है, हमारे बायर को। ऐसा नहीं है सिर्फ हमने ऑर्डर ले लिया, हमने ऑर्डर ले लिया उसके बाद शिपमेंट कर दिया, हमारा पैसा आ गया। नहीं, हमें लाइफ टाइम जैसे उसको सर्विस देते हैं उस तरह से उस बंदे को भी होना चाहिए जो हमारे साथ इंटरनेशनल बिजनेस कर रहा है, कि भाई इनके साथ काम करोगे तो कुछ भी प्रॉब्लम होगा, दे आर विथ अस टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में लॉजिस्टिक्स और शिपिंग लाइन, एयरलाइन, रोड लाइन इतना ही महत्व है कि जिसके साथ आप रह के वेल प्लान आप कर सकते हो। और कई बार कई लोगों का डिटेंशन और रेमरेज भी इसी वजह से लगता है, बिकॉज दे आर नॉट प्लानिंग इन अ प्रॉपर वे टू डिलीवर द कार्गो। सपोज डेस्टिनेशन जाके कई बार इम्पोर्टर को ज़्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो जब भी सपोज आप इधर से इम्पोर्ट का कोई भी शिपमेंट एक्सपोर्ट करो सामने वाले इम्पोर्टर को, तो इट इज़ बेटर कि सपोज आपने शिपिंग लाइन लगाई है, आपका टर्म्स ऑफ पेमेंट इनको टर्म्स है CIF और CNF, तो आप पहले से ही उसके बता दो कि वेन एवर द कार्गो विल अराइव एट द डेस्टिनेशन, देन दीज आर द डेस्टिनेशन चार्जेस ऑफ द शिपिंग लाइन और एयरलाइन। दिस विल मेक अ डिफरेंट सेंस इन योर बिजनेस। मीन्स आपका बायर भी बोलेगा कि यस, इस बंदे को मेरे साथ काम करने में, और जेन्युइनली काम कर रहे हैं, सही बात, ऑनेस्टी के साथ हम काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो हमारा बायर है। कई बार क्या होता है, यहाँ लोग शिपिंग लॉजिस्टिक्स में $25 कम मिल जाते हैं, $50 कम मिल जाते हैं, सपोज लेस देन कंटेनर लोड है, तो कई लोग कम शिपमेंट, कम डॉलर में भी शिपमेंट यहाँ से करते हैं, ऐसे नेगोशिएट करते हैं फ्रेट फॉरवर्डर और शिपिंग लाइन। हमारा बायर सफर करता है, वहां जाके डेस्टिनेशन पे यही शिपिंग लाइन उसे $50-100 ज्यादा ले लेती है। तो यदि यही चीज पहले से ध्यान में रखी जाए तो हमारा बायर के साथ भी, अल्टीमेटली व्हाट इज बिजनेस, बिजनेस अल्टीमेटली दिस इज रिलेशन, लाइक पर्सनल रिलेशन। सो हमें भी इंटरनेशनल बिजनेस में बिजनेस रिलेशन मेंटेन करना है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर लॉजिस्टिक्स और शिपिंग के बारे में, तो बाय दिस वे यू कैन हैंडल दिस रिलेशन। सामने वाले को आप गाइड कर सकते हो, अच्छी शिपिंग लाइन, अच्छी एयरलाइन जो टाइमली डिलीवरी दे, टाइमली आपको अपडेट दे, डेस्टिनेशन जाने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो दोस्तों यही सब हमें इंटरनेशनल बिजनेस में सीखना है, शिपिंग लॉजिस्टिक्स। और मैंने जैसे बताया, शिपिंग लॉजिस्टिक्स एक बहुत बढ़िया समुंदर है जिसमें हम जितना भी अंदर जाएंगे कम है, लेकिन सही में आपको ये जानना है किस तरह से सही सेंस में इंपोर्ट एक्सपोर्ट में शिपिंग और लॉजिस्टिक्स सिंपली हम कर सकते हैं। तो दर्शक मित्रों आइए, और जानने के लिए सही में एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ल्ड, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट की दुनिया क्या है, इसे जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ इम्प एक्सपर्ट के साथ। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के जो आज की तारीख में, बिकॉज एवरीबडी, जैसे मैंने पहले ही बोला, सब लोग को एक्सपोर्ट करना है, इम्पोर्ट करना है, वी ऑल आर क्रेजी अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ट्रेड। तो सही में जानिए ये बिजनेस कैसे होता है और किस तरह से इंफॉर्मेशन हम आपको देते हैं। सही मायनों में हम लोग आप लोगों को इम्प एक्सपर्ट से एक रियल सेंस में एंटरप्रेन्योर बना के बेचते हैं। तो आइए हम आपको प्रॉपर वे, प्रॉपर गाइडलाइन सब कुछ देते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। उसके साथ यदि आपके कोई सुझाव हो, आपको कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन भी पूछना हो, तो इसके नीचे ही हमारा यूट्यूब लिंक है, उसके साथ हमारा इंस्टाग्राम लिंक है, बहुत सारे लिंक जो सोशल मीडिया से वी आर कनेक्टेड ऑलरेडी, तो उसका आप 100% लाभ उठाइए। हम आपको इनवाइट करते हैं, एक बार हमारी इम्प एक्सपर्ट का प्रोग्राम विजिट कीजिए, मे बी आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए। और पूरी जानकारी एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस दुनिया में किस तरह से होता है, बिकॉज नाउअडेज एवरीबडी इज देयर टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस, तो आपकी सफलताओं में हम लोग भागीदार होना चाहते हैं। आइए हमारे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच।